अभी जुबैरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं, ये फरमाइएगा कि आज निगरा काबीना, पंजाब की जो निगरा काबीना है, उसकी मुद्दत 90 दिन की जो थी वो मुकम्मल हो गई, पूरी हो गई। अब इसका आईनी और कानूनी स्टेटस क्या है, जरा इसकी रहनुमाई कीजिएगा। 90 दिन के बाद केयर टेकर सेशन खत्म हो जाता है, लेकिन आपको पता है खुद कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में उनके इलेक्शन जो है ऑर्डर कर दिए 14 मई को, तो उस वक्त तक उसको एक्सटेंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के तहत। तो इसकी मतलब वो उनकी जो हुकूमत है, निगरा हुकूमत, वो वैलिड रहेगी और लीगल रहेगी, डिजोरे रहेगी, मतलब के लीगल रहेगी 14 मई तक। तो जी अच्छा, और जो दूसरी आज मूव हुई, चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफा 3, 6 और 9 की खिलाफ वर्जी कई की गई है, ये उसमें कहा गया। और कहा गया कि चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल पर समाप्त करके, उसको समाप्त के लिए मुकर्रर करके मिसकंडक्ट किया है, उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। अभी जुबैरी साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? ये देखिए आप, ये तो मजाक हो रहा है, मतलब 209 के रेफरेंस में जजेस अपने चीफ जस्टिस की जवाबदेही है वो बेंच बनाए, और उन्होंने अगर बेंच बना दिया है आप उसके इस तरह के रेफरेंसेज, ये थोड़ी होता है, बेंच ब्राउन की पावर इंटैक्ट है और सुप्रीम कोर्ट की अभी इंटरफेरेंस, ये तो अब ये मजाक बन गया, कोई इस तरह थोड़ी रेफरेंस है, मतलब थोड़ी एक जज के मतलब काम ही नहीं कर सके वो अपने आइन और कानून के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, तो मतलब कोई केस का फैसला ही नहीं कर सकते वो लोग, ये इस तरह से बातें नहीं होती। अगर जिसने भी किया है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मैं तो समझता हूँ।